बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के राज में बेटियां आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। यह कैथल के सरकारी कन्या कॉलेज की छात्राएं हैं और अपनी मांगों के लिए नारेबाजी कर रही हैं। कॉलेज शुरू हुए एक साल हो गया लेकिन अभी तक प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है। जो प्राध्यापक थे उनको भी सरकार ने तब्दील कर दिया है। हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार विद्यार्थी 100 किलोमीटर तक का सफर मुफ्त कर सकते हैं, लेकिन कैथल के सरकारी कन्या कॉलेज में आने वाली छात्राओं को यह सुविधा नहीं मिलती। ड्राइवर बस ही नहीं रोकते, बस रुक जाती है तो कंडक्टर भद्दी टिप्पणियां करते हैं। विधायक कुलवंत बाजीगर को छात्राओं ने अपनी समस्या बताई है लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब स्टाफ की कमी पर बात करने गई छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने कह दिया सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। गुस्से में छात्राओं ने आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। आइए जरा कैथल के सरकारी कन्या कॉलेज की छात्राओं की कहानी उनकी जुबान में ही सुन लेते हैं। सर, समस्या ये है कि हमारे यहाँ कॉलेज में टीचर्स नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है, इस बिल्डिंग का क्या फायदा जब इसमें टीचर्स नहीं है? हम पढ़ ही नहीं पाएंगे क्या? हम यहाँ बिल्डिंग देखने के लिए आते हैं सर। तो आज तक हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं खुली सर, लैब अटेंडेंट नहीं आया हमारे यहाँ। हम वैसे तो हमारे यहाँ हमें सब फैसिलिटीज हैं, पर जब टीचर्स ही नहीं तो उस फैसिलिटीज का फायदा क्या? सर, टीचर ऐसे हैं पर अधूरे हैं सर। जब हिंदी इंग्लिश के टीचर्स नहीं है सर, तो हम वहाँ कहाँ से लेक्चर लेंगे सर? दो लेक्चर सर हमारे लगते हैं, उसमें से सर एक लेक्चर है जो हमारा सिर्फ 3 दिन के लिए लगता है। प्रिंसिपल के साथ सर हम गए थे, प्रिंसिपल सर कुछ हमें लाग और दे ही नहीं रहे कि हमें अपने सही राह पे लेके जा रहे हैं कि हाँ बेटा आ जाएंगे, या ऐसे ऐसे ही कहते हैं कि बेटा आ जाएंगे 15 दिनों में आ जाएंगे। वो 15 दिन अभी तक नहीं आते हैं सर। अब सर सौगात ये देख रहे हैं कि हम वैसे तो नारे लगा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियों को पढ़ने के लिए टीचर्स ही नहीं मिलेंगे, हमें कोई बताएगा ही नहीं कि हमें करना क्या है, तो सर हम कैसे पढ़ेंगे? आप ही बताओ सर। सर, हमारी सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे टीचर्स की है। जो हमारे थे कल उनकी भी ट्रांसफर होकर चली गई है। यहाँ पर बहुत कम टीचर थे सर, पहले ही एक ही टीचर हमें इंग्लिश भी करवाता था, हिंदी भी करवाता, जो उनका परमानेंट सब्जेक्ट था वो भी करवाता था, लेकिन अब वो ही नहीं रहे तो हम क्या करें सर? आज हम पहले 3 दिन यहाँ पर आए हैं या ना आए एक ही बराबर है, क्योंकि आज हमारा लेक्चर नहीं लगता सर। एक पॉलिटिकल के सर हैं सर, वो यहाँ पर परमानेंट है लेकिन वो 3 दिन ही आते हैं, लास्ट वीरवार शुक्रवार और शनिवार, क्योंकि उनकी कहीं और ट्रांसफर हुई है सर। जाते हैं सर और 3 दिन हमारे यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब हम पहले 3 दिन क्या करें आप हमें ये बताइए? हम घर पर रहे हैं या कॉलेज में आए? इससे तो अच्छा नॉन अटेंडिंग ही ठीक है सर। प्रिंसिपल सर का तो यही कहना है कि सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेवार है। तो यहाँ पे कैंटीन ऐसे ही आते हैं, बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं, बाहर आए तब बोलते हैं कि बाहर खड़ी रहती है लड़कियां सर, ऐसे ही क्लास में बैठ के चले जाते हैं सर, है नहीं यहाँ पे। हम पागल थोड़ी ना सर, जब एडमिशन करवाया सर बीए फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने बोला कि यार आपको यहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी सर। जब आए कॉलेज में एक टीचर था सर, एक लेक्चर लगवा रहे, हम पागल हैं? और सर एक सुखदेव सर थे, 3 लेक्चर लगा रहे थे, वो हिंदी इंग्लिश और सोशियोलॉजी। अब सर उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए सर, अब हम ऐसे ही आएंगे? ऐसे ही किराया लगा के आते हैं और ऊपर से सर बस वाले सुबह सुबह बोल देते हैं तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ती है, ये और वो, हमारी बस में ना चढ़ा हुआ। हम प्रिंसिपल के पास गए थे टीचर के लिए, प्रिंसिपल बोला हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो सरकार की नीति है, सरकार ने खुद टीचर भेजे, वो वहाँ से जा रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर जब भी कुलवंत बाजीगर आते हैं हम बोलते हैं भी टीचर के लिए, वो कहते हैं बेटियां पढ़ो, बेटियां कैसे पढ़े अगर कॉलेज में टीचर नहीं होंगे? बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, हमें टीचर भी चाहिए इसमें। हम तो ऐसे बोलते हैं हमें टीचर दो, अगर ऐसे बोलते हैं तो कहते हैं हमें गवर्नमेंट के पास भेज रखा है, लेटर लिख रखा है, लेटर क्या करे, आगे तो लेटर जाता नहीं है, यहीं कॉलेज में लिख के रख लेते हैं। वो कह रहे हैं अगर हम जनरेटर के बोलते हैं तो बोलते हैं तेल नहीं है, अगर तेल के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। हम बोलते हैं हमें बोल दो, हम बोल लेते हैं तो परमिशन हम लेने चले जाते हैं, गवर्नमेंट कहाँ पे है, प्रहार हो जाते हैं, चक्कर भी आ जाते हैं जी लड़कियों को। तो ये भी आपने हमें संज्ञान दिया है, इसका हम जी एम रोडवे से बात करके कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बस सुविधा उपलब्ध। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, खट्टर सरकार के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।